हेलो स्टूडेंट, नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द नेचर्स ऑफ द गुण ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमको नेचर फाइंड करना है। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ता है। उसके लिए हमको 3 कंडीशंस चेक करने रहती है। फर्स्ट कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 मीन्स होता है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू आती है तो डिफरेंट एंड रियल रूट्स होते हैं जिनको हमको फाइंड भी करना है। एंड सेकंड कंडीशन होती है आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर आपकी डी की जो वैल्यू है वो सॉल्व करने पे क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, तो आपके होते हैं इक्वल एंड रियल रूट्स। जो रूट्स होंगे आपके इक्वल भी होंगे और रियल भी होंगे। एंड थर्ड कंडीशन इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मीन्स होता है कि जो भी वैल्यू है सॉल्व करने पर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, माइनस में वैल्यू आती है, तो आपका दो रियल रूट्स होंगे, कोई भी रियल रूट्स आप फाइंड नहीं कर सकते। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, कंपेयरिंग द इक्वेशन x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 3 एंड c इज इक्वल टू 5। पुट दिस वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। पुटिंग द वैल्यू b इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4। पुट द वैल्यू a इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 5। माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 3 क्या होगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 3 9, माइनस 4 2 8 8 5 40। 40 माइनस 9 कितना होगा आपका 31। और जो बीगर नंबर पे किसका साइन लगा हुआ आपका माइनस का, तो जो डी की वैल्यू है वो आपकी कितनी आ रही है, माइनस 31। माइनस 31 इज लेस देन 0। तो हमारी जो कंडीशन है वो थर्ड कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो क्या आएगा आपका, नो रियल रूट्स। क्या होगा, नो रियल रूट्स। तो दस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नो रियल रूट्स।